Hello students, so let's start with exercise 3.5. Estimate each difference to nearest 10. Also find the actual difference. ठीक है, जैसे आपने पहले sums किए हैं, estimate the sum to nearest 10. Also find the actual difference, right? तो आपको क्या करना है, पहले आप इनको round off करोगे. ठीक है, nearest 10 बोला है तो हम nearest 10 round off करेंगे पहले 92 को. ठीक है, round off to nearest 10. 10 means ones place पे ये 2 को 0 बना देंगे, right? फिर 2 को चेक करेंगे, weak है कि strong है, so this is weak. Weak क्या करेगा, 9 का 9 ही रह जाएगा, right? Next आप चेक करोगे 47. Round off to nearest 10 करेंगे, यानी कि ये 7 बन जाएगा 0. फिर 7 को चेक करेंगे, वीक है या स्ट्रांग है, तो ये स्ट्रांग है. स्ट्रांग के पास पावर है, इस पावर से वो 4 को क्या बना देगा, 5, राइट? तो ये आपके वैल्यूज आ गए, राइट? तो हमारा 92 को आ गया 90 और 47 का आ गया 50. अभी इसके बाद आपने क्या करना है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं. वैसे भी यहाँ पे दिखाया गया, डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, माइनस करना है, राइट? तो आप वो कैसे करोगे, एक तो आपको एक्चुअल बोला गया है, एक्चुअल डिफरेंस में जो है वैसे ही करना है. ठीक है, ये हमें बोरो करना पड़ेगा 5, 4, दिस इज योर एक्चुअल डिफरेंस, राइट? इसके बाद आपने निकालना है एस्टिमेटेड डिफरेंस में जो हमने वैल्यूज निकाली थी, 92 का आपका बन गया था राउंड ऑफ करके 90 और 47 का बन गया था 50. तो एस्टिमेटेड सम, हाउ टू फाइंड इट, सॉरी, वी आर फाइंडिंग एस्टिमेटेड डिफरेंस. ओके, दिस इज एस्टिमेटेड डिफरेंस. सो 90 माइनस 50, सो इट कम्स आउट टू बी 40. सो ये आपका आएगा एस्टिमेटेड डिफरेंस, राइट? सो नेक्स्ट टाइम भी आपने ऐसे ही करना है. जल्दी से इसको कर लेते हैं. बस वैसे ही है, वहां पे आप प्लस कर रहे थे, यहाँ पे आपको माइनस करना है. तो 72 को जब हम नियरेस्ट 10 करेंगे, नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करेंगे, तो देखो 2 का बन जाएगा 0, क्योंकि 2 वीक है, तो 7 का 7 रह जाएगा. ठीक है, 21 नियरेस्ट टू 10 हमें करना है राउंड ऑफ, तो 1 का बन जाएगा 0. ठीक है, क्योंकि हम 10 कर रहे हैं ना, तो 10 में एक ही 0 चाहिए, ये वाला 1 0 बन जाएगा. 1 अभी वीक है, तो इसके पास पावर नहीं है, है ना? इसके पास पावर नहीं है क्योंकि ये वीक है. तो 2 का 2 रह जाएगा 20. अब आपको निकालना है एक्चुअल डिफरेंस. वो क्या होगा आपका, जो लिखा हुआ है ना एक्चुअली में, उसी को आप माइनस कर दोगे, तो ये आपका आएगा एक्चुअल डिफरेंस. और आपको निकालना है एस्टिमेटेड डिफरेंस. एस्टिमेटेड डिफरेंस के लिए आप ये वाले वैल्यूज लोगे, 70 माइनस 20, सो इट कम्स आउट टू बी 50. ये आपका एस्टिमेटेड डिफरेंस है, राइट? नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, नियरेस्ट 100 करना है. ठीक है, जब आप 439 को नियरेस्ट 100 करोगे राउंड ऑफ, तो क्या आएगा, ये 90 बन गया, 30 बन गया. अब हम 3 को चेक करेंगे, वीक है कि स्ट्रांग है, तो ये तो वीक है, तो 4 का 4 रह जाएगा. नेक्स्ट है आपका 302, इसको भी नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करेंगे, सॉरी 20 बन जाएगा, 0 तो वैसे ही 0 होगा. अभी 0 को चेक करेंगे कि ये वीक है या स्ट्रांग है, तो ये तो वीक है, तो 3 का 3 हो जाएगा, राइट? आफ्टर दिस आपको फाइंड करना है एक्चुअल डिफरेंस एंड एस्टिमेटेड डिफरेंस, राइट? तो एक्चुअल तो यही होगा, जो एक्चुअली में लिखा हुआ था उसी का डिफरेंस निकालोगे आप. एस्टिमेटेड में आप इनका डिफरेंस लोगे, 400 माइनस 300, सो इट कम्स आउट टू बी 100, राइट?
नेक्स्ट इज योर बी पार्ट, 710 को भी करेंगे नियरेस्ट 100, 592 को भी करेंगे नियरेस्ट 100, तो यानी कि टू डिजिट्स को ज़ीरो बनना पड़ेगा। लास्ट किसको ज़ीरो बनाया, वन को, चेक करेंगे वीक है कि स्ट्रांग है, तो ये तो वीक है तो सेवन का सेवन रह जाएगा। नेक्स्ट वाले को कोई पावर नहीं दे पाएगा ना, ये टू और नाइन ज़ीरो हो जाएंगे। फिर हम नाइन को चेक करेंगे वीक है या स्ट्रांग है, तो ये तो स्ट्रांग है, स्ट्रांग के पास होती है पावर, पावर वो देगा फाइव को, फाइव से बन जाएगा सिक्स, राइट। अभी हम निकालेंगे एक्चुअल डिफरेंस, उसके बाद हम निकालेंगे एस्टिमेटेड, राइट। एक्चुअल तो वही होगा जो लिखा हुआ है, तो पहले तो बोरो करना पड़ेगा, राइट, इसको भी बोरो करना पड़ेगा। अब इधर आप इनको माइनस कर दोगे एस्टिमेटेड में ना, जो हमारे राउंड ऑफ करके आए उनको माइनस करना है। सो दैट्स ऑल। अभी है नियरेस्ट 100, सॉरी अभी हमारा नियरेस्ट 1000, ठीक है, नियरेस्ट 1000। तो 1000 में 30 है, थ्री डिजिट्स को क्या बनना पड़ेगा, 0। लास्ट में 4 को देखो वीक है या स्ट्रांग है, तो ये तो वीक है, वीक के पास कोई पावर नहीं है तो 5 ही रह जाएगा। नेक्स्ट है 4001, तो इसको भी नियरेस्ट 1000 करना है, ये वाले तीनों बन जाएंगे 0। फिर आप ये 0 को चेक करो वीक है स्ट्रांग है, तो ये तो वीक है तो 4 ही रह जाएगा, राइट। अभी हमें निकालना है एक्चुअल डिफरेंस एंड एस्टिमेटेड डिफरेंस, राइट। एक्चुअल के लिए जो लिखा हुआ है उन्हीं को माइनस कर देंगे, एस्टिमेटेड के लिए जो हमारे ये राउंड ऑफ करके आए हैं इनको माइनस कर देंगे। बी पार्ट, गेंस again we have to round it off to nearest 1000, 5, 2, 6, ये तीनों ज़ीरो हो जाएंगे। 6 को चेक करेंगे वीक है स्ट्रांग है, तो ये स्ट्रांग है, स्ट्रांग है तो पावर देगा 8 को, 8 को बना देगा 9। नेक्स्ट इज again nearest 1000, ये तीनों हो जाएंगे 0, राइट। 2 को चेक करेंगे वीक है स्ट्रांग है, तो वीक है, वीक के पास कोई पावर नहीं होती तो 8 ही रहेगा, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड एक्चुअल डिफरेंस एंड एस्टिमेटेड डिफरेंस, राइट। एक्चुअल में तो जो लिखा हुआ है आप उन्हीं को लिख के सब्ट्रैक्ट कर दो, बोरो करना पड़ेगा 9, अगेन बोरो 6, 5 माइनस 2, 3, 0, राइट। अभी हम ये करेंगे इनको तो ये देखो कितना डिफरेंस आ गया है दोनों में। नेक्स्ट Estimate the difference between 5,429 and 5,907 by rounding off to nearest 1000. इनका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। पहले आपको वैसे लिखा हुआ दे दिया, डिफरेंस का मतलब होता है आपने माइनस करना है, ठीक है। डिफरेंस होता है माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आता है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस, ठीक है। तो जब भी डिफरेंस दिखे दैट मीन्स माइनस करना है आपको, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कैसे करना है, सी फर्स्ट राइट द नंबर्स गिवन, जब को नंबर दिए गए उनको लिख लो। अभी इनको नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करो,
90204 भी जीरो हो जाएगा, फिर चेक करो वीक है स्ट्रांग है, तो ये वीक है, वीक के पास कोई पार नहीं, तो 5 का 5 रहेगा। इधर 700090 नाइन स्ट्रांग है या वीक है, स्ट्रांग है तो इट हैज पावर, पावर किसको देगा 5 को, बना देगा 6 राइट। अभी आपसे एक्चुअल नहीं पूछा है, एस्टिमेटेड डिफरेंस पूछा है, तो आप सिर्फ एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालोगे, एस्टिमेटेड डिफरेंस वो आपको यहाँ से निकालना है राइट। तो अभी आप देखो 5000 बड़ा है कि 6000 बड़ा है, ऑब्वियसली 6000 बड़ा है ना, तो 6000 को पहले लिखेंगे, 5000 पहले नहीं लिखेंगे राइट, क्योंकि आप बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर सकते हो, फ्रॉम बिगर यू कैन सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर, ओके दैट्स व्हाई। सो दिस इज योर एस्टिमेटेड डिफरेंस, ओके। Question number 5, cost of the table is this, Rakhi has this much amount, estimate the amount to nearest hundreds to find the amount she need more to buy the table. Okay, cost of table is rupees 3529 और Rakhi के पास जो amount है that is rupees 2325, कौन बड़ा है, this is bigger ना, so she needs more amount. हाउ मच मोर, और कितना चाहिए, ये तो है, ये वाला है, अभी और कितना चाहिए वो हम कैसे निकालेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करके, माइनस करके निकालेंगे राइट, माइनस करके निकालेंगे। पर उन्होंने बोला है कि आप जो मोर अमाउंट निकालोगे वो आपको कहाँ तक निकालना है, नियरेस्ट 100 तक एस्टिमेट करके निकालना है ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले इनको नियरेस्ट 100 एस्टिमेट करेंगे फिर हम निकालेंगे राइट। पहले आप इनको एस्टिमेट कर लो लाइक दिस, पहले आप लिख लो कॉस्ट ऑफ टेबल रुपीज 3529, रेखा हैज मनी वो कितनी है रुपीज 2325 राइट। इतना लिखने के बाद फिर आप इनको राउंड ऑफ करोगे नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 करेंगे तो ये 20 हो जाएंगे, 9020 टू को चेक करेंगे वीक है स्ट्रांग है, तो ये वीक है, वीक के पास कोई पावर नहीं है, 35 ही रह जाएगा। नेक्स्ट 2325 ये भी नियरेस्ट 100 करना, 5020 बन गया, 20 बन गया, आप 2 को चेक करेंगे वीक है स्ट्रांग है, तो ये वीक है, वीक के पास कोई पावर नहीं है, 23 ही रह जाएगा राइट। अभी हमें क्या चेक करना है, एस्टिमेटेड डिफरेंस ठीक है, 35 माइनस 2300 ठीक है, 2 1, सो व्हाट यू गेट 1200। तो ये वो मोर अमाउंट है जो रेखा को चाहिए ओके। तो भी आपसे जो लास्ट लाइन यहाँ पे पूछी हुई है ना, आपने वही लाइन लिख देनी है फ्रॉम हियर टू फाइंड द अमाउंट शी नीड मोर टू बाय द टेबल। तो आप लिखोगे रेखा नीड्स रुपीस 1200 मोर टू बाय द टेबल ठीक है। ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पूछी है आपसे, नियरेस्ट 100 पूछिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज एस्टिमेट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स टू नियरेस्ट 10, 100 and 1000 ठीक है। सेम दो नंबर जो हैं इनका आपको नियरेस्ट 10 का, नियरेस्ट 100 का और नियरेस्ट 1000, तीनों का निकालना है एस्टिमेटेड डिफरेंस। सो लेट्स स्टार्ट इट, पहले हम नियरेस्ट 10 निकाल लेते हैं। सो 60 बनेगा, 6 को चेक करो वीक है कि स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग है, स्ट्रांग क्या करेगा 7 को 8 बना देगा, बाकी 45 वैसे का वैसे रह जाएगा राइट।
नेक्स्ट है ये नंबर, इसको करेंगे नियरेस्ट 10, 1 बन जाएगा 0, 1 को चेक करेंगे वीक है या स्ट्रांग है, तो ये तो वीक है तो ये वैसे का वैसे रह जाएगा। ठीक है, अभी हम निकालते हैं एस्टिमेटर। डिफरेंस तो आपको बड़ा नंबर ऊपर लिखना है, रिमेंबर। 0 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, इधर आपका 0 आएगा। ठीक है, सो 350 इज योर आंसर। अब इसी पे हमको करना है नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 60 बन जाएगा, 70 बन जाएगा, 7 को चेक करो वीक है कि स्ट्रांग है, तो ये स्ट्रांग है, स्ट्रांग क्या करेगा 5 को बना देगा 6 जो आगे लिखा हुआ है, राइट। नेक्स्ट है हमारा 4231, जब हम नियरेस्ट 100 करेंगे 1030, राइट, क्योंकि 20 है ना, 20 चाहिए हमें, हम चेक करेंगे ये वीक है स्ट्रांग है, तो ये वीक है, वीक क्या करेगा 42 का 42 रह जाएगा, राइट। अभी हमें निकालना है एस्टिमेटर डिफरेंस। एस्टिमेटेड डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे, सो दिस इज व्हाट यू गेट, राइट, 400। ये जीरो आप हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो, नो प्रॉब्लम, ये वाला जीरो, ठीक है। अब हम करेंगे नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 करेंगे आप, तो आप पहले नंबर्स लिख लो, नियरेस्ट 1000 मतलब 3 डिजिट्स को 0 बनाना है, राइट, लास्ट वाला 5 है, उसको चेक करेंगे वीक है या स्ट्रांग है, तो ये स्ट्रांग है, स्ट्रांग के पास पावर है, पावर वो देगा नेक्स्ट डिजिट को, 5 बना देगा उसको। नेक्स्ट वी हैव 4231, इसको हमने नियरेस्ट 1000 करना है, तो ये 30 बन जाएंगे, लास्ट में 2 आया, उसको चेक करेंगे वीक है या स्ट्रांग है, तो ये तो वीक है, वीक के पास कोई पावर नहीं है, तो 4 का 4 रह जाएगा, राइट। अभी हमें फाइंड करना है एस्टिमेटर डिफरेंस, राइट, तो 5000 में से माइनस कर देंगे हम 4000, वी हैव टू सबट्रैक्ट, सो दिस इज व्हाट यू गेट, राइट। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज वेरी शॉर्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.8। हम बीच वाला एक्सरसाइज स्किप कर रहे हैं, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 3.8, फाइंड द मिसिंग नंबर, आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है। देखो, आपको फर्स्ट एक नंबर दे दिया गया है 2003, 2003 में कुछ प्लस करने के बाद आपको ये मिल रहा है, ठीक है, इसमें कुछ प्लस करने के बाद आपको ये मिल रहा है, ठीक है। अभी आप देखो, अगर आप प्लस करने के बाद आपको ये मिल रहा है ना, तो आपको क्या करना है, ये वाला नंबर निकालने के लिए आपको सब्ट्रैक्शन करनी है, क्योंकि जो आपका मिसिंग नंबर है वो टोटल सम से तो छोटा ही होगा ना। देखो, 5446 से तो छोटा ही होगा ना, वो जो आपको सेकंड वाला निकालना है यहाँ पे एडेंडा, ठीक है, जब आपको एडेंड निकालना है तो वो इससे छोटा होगा। अब स्मॉलर निकालने के लिए आप क्या करोगे, प्लस करोगे कि माइनस करोगे, प्लस करके तो वो और बड़ा हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे, राइट। तो इस फर्स्ट वन के लिए आप क्या करोगे, माइनस करोगे, बड़ा वाला नंबर ये है, तो पहले इसको लिखेंगे, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये आएगा। सो ये वाला नंबर हमको यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है, ठीक है, जो हमारा आया है ना 3443, वो हमको यहाँ पे फिल करना है। आप चेक भी कर सकते हो, 3+3 6 होता है, 0+4 4 होता है, 0+4 4 होता है, 2+3 5 होता है, राइट, ऐसे आपको चेक कर लेना। अभी नेक्स्ट देखो, अभी सेकंड देखो, इसमें कुछ प्लस करने के बाद ये आया है, राइट, तो जो सेकंड वाला जो मिसिंग है वो टोटल से तो कम ही होगा ना, इट विल बी लेसर, तो लेस के लिए आप क्या करोगे, अगेन सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट है, राइट, सो दिस इज टू बी फिल्ड हियर। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये फिल करके आंसर आ रहा है, तो वी हैव 1320,
चेक भी कर सकते हो, 0+2 2 होता है, 6+2 8 होता है, 3+3 6 होता है, 1+8 9 होता है, दैट्स करेक्ट। इट मीन्स हमने बिल्कुल करेक्ट आंसर फाइंड किया है, राइट। नेक्स्ट है आपका कि इसमें से कुछ माइनस करने के बाद आपको ये मिल रहा है। इट मीन्स जब आपने माइनस किया है, जिसको आपने माइनस किया, अच्छा इसको एक शॉर्ट एग्जांपल से समझते हैं। 5 में से मैंने कुछ माइनस किया तो मेरे को आंसर मिला 2। अब आप बता सकते हो यहाँ पे क्या था? तो आप बोलोगे यहाँ पे 3 होगा तभी 2 आएगा, है ना। तो ये हमने कैसे निकाला? 5 में से 2 माइनस करके निकाला ना 3, राइट। तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। प्लस नहीं करना है क्योंकि प्लस करने पर वो बड़ा हो जाएगा। अगर आप प्लस कर दोगे ना, देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप इनको प्लस कर दोगे ना, ये क्या बन जाएगा? 12 7। अब आप बताओ मुझे 5000 में से आप 7000 वाला नंबर माइनस कर सकते हो? नेवर, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे हमको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें स्मॉलर मिलेगा ना, राइट। तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 8 माइनस 4 4, यहाँ पे 4 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, राइट। सो दिस इज द नंबर दैट इज टू बी फिल्ड हियर। अब हम फिल करके देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। 3220, ये आपका आया है 3244। देखो 8 माइनस 4 4 होता है, ठीक है, 6 माइनस 4 2 आ रहा है, 5 माइनस 2 3 आ रहा है, 5 माइनस 3 2 आ रहा है, करेक्ट। इट मीन्स हमने बिल्कुल करेक्ट आंसर फाइंड करा है, राइट। आप खुद चेक भी कर सकते हो अपना आंसर निकालने के बाद कि आपने ठीक करा है कि नहीं करा है, राइट। अब देखो यहाँ पर कुछ बड़ा नंबर होगा ना, देखो आप बिगर नंबर में से स्मॉलर माइनस करोगे तभी आपके पास आंसर आता है ना। इट मीन्स यहाँ पे बिगर होगा, बिगर वाला नंबर होगा ना। जब आपको बिगर वाला नंबर फाइंड करना है ना, तो देखो बिग के लिए आप क्या करोगे? प्लस कर दोगे इनको, ठीक है, क्योंकि अगर आप माइनस कर दोगे तो वो तो कम आ जाएगा। देखो अगर आप इनको माइनस करते हो ना, ये देखो मैं आपको ये भी बताती हूँ, अगर आप इनको माइनस कर देते हो तो क्या आ जाएगा? ये तो हो गया 926। क्या आप इसमें से 2000 माइनस कर सकते हो? नेवर, ठीक है। तो देखो हमें बिगर नंबर में से कुछ माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा ना, तो हमें बिगर नंबर फाइंड करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे लाइक दिस। दिस इज टू बी फिल्ड हियर नाउ, ठीक है, और हम चेक भी कर लेंगे कि हमने ठीक निकाला है। एट माइनस वन यस 7 होता है, 2 माइनस 0 2 होता है, 5 माइनस 3 2 होता है, और 5 माइनस 2 सॉरी यहाँ पे आपका 5 माइनस 3 2 होता है, 5 माइनस 2 3 होता है, राइट। इट मीन्स करेक्ट, हमने बिल्कुल करेक्ट आंसर फाइंड करा है। नेक्स्ट इज वेरी शॉर्ट एक्सरसाइज, दैट इज 3.9, ठीक है। ये सिंपल से सम है आपके प्लस माइनस के, ठीक है, आप ये वैसे खुद भी कर सकते हो, बट स्टिल हम क्लास में एक्सरसाइज कर लेंगे ये, ठीक है। तो देखो आपको फर्स्ट में क्या दिया है, एक नंबर है प्लस डाला हुआ है, फिर नेक्स्ट नंबर है, फिर नेक्स्ट नंबर है। आपको क्या करना है, इसको हम बोलते हैं सबसिक्वेंट एडिशन, ठीक है, एक के बाद एक एडिशन हो रहा है, या एक के बाद माइनस होगा फिर ऐड होगा, ठीक है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको पहले इन दोनों को ऐड कर लेना है, ठीक है। अभी इसको आप आगे लिख लो, अभी आपका कौन सा रहता है, ये वाला रहता है, अभी आप इसको प्लस कर लो, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। नेक्स्ट वन इज सेकेंड वन, आप क्या करो पहले इन दोनों को प्लस कर लो, क्योंकि इनके बीच प्लस का साइन है ना,
है, ये आपका दोनों को प्लस करके आ गया ये वाला आंसर। ठीक है, अभी उसके बाद लिखा है माइनस, ठीक है, तो हम माइनस कर देंगे, किसको माइनस करना है, 2351 को। तो ये क्या आएगा, 5, ये बोरो करना पड़ेगा, देखो 4 0 से मांग रहा है, 0 कह रहा है मेरे पास तो खुद नहीं है, तो 4 ने 0 को बोला पहले तुम खुद ले लो फिर मैं तुमसे ले लूंगा। ठीक है, अभी ये 4 ले सकता है इसे, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। नेक्स्ट इज योर थर्ड क्वेश्चन। देखो पहले क्या लिखा है, सब्ट्रैक्शन। आप मुझे बताओ क्या आप 2493 में से 3427 माइनस कर सकते हो? नो, ये पॉसिबल नहीं है ना, हम स्मॉलर में से बिगर माइनस नहीं कर सकते। तो पहले हम क्या करेंगे, हम ना इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, ये वाले ऐसे, प्लस का है 5234 और माइनस किसके आगे लिखा है, 3427 के आगे। ठीक है, तो फिर हम ऐसे माइनस कर लेंगे। ठीक है, जिस नंबर के आगे लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है। ठीक है, प्लस वाले के लिए हम प्लस नहीं लगाते, इट मीन्स के वो ऊपर ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, अभी आप क्या करोगे, इसको आप एज इट इज लिख लोगे, और ये वाला जो है ना 2493, ये आप इसमें क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, राइट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये सारे प्लस करने हैं। ठीक है, तो ये आप खुद कर लोगे, इनको प्लस करना है, पहले 2 को प्लस कर लेना है, फिर 3 इसमें प्लस कर देना है, राइट। ये भी हमने किया है, देखो 5th और 2nd एक जैसे हैं। ठीक है, इससे आपने प्रैक्टिस करनी है, पहले आपने दोनों को प्लस कर देना है, जो आंसर आएगा उसमें से ये लास्ट वाले को माइनस कर देना है, राइट। तो ये भी ऐसे ही है, ठीक है, पहले आपने इनको प्लस कर देना है दोनों को, जो आंसर आएगा उसमें से ये लास्ट वाला माइनस कर देना है, राइट। सेम इसमें है, ठीक है, ये वाला कर लेते हैं, ये थोड़ा अलग लगेगा आपको। ठीक है, लेट्स डू 8th वन। 8th में सिर्फ वैसे ही है, आप क्या करोगे, आप ना इन दोनों को, जो दोनों प्लस वाले हैं, ये और ये दोनों प्लस के हैं ना, आप पहले इनको प्लस कर लो। ठीक है, वैसे आप इसमें भी ऐसे कर सकते हो कि आप इन दोनों को प्लस करके ये माइनस कर दो। ठीक है, तो आप इन दोनों को 1000 और 3000 को प्लस कर लो पहले। ठीक है, फिर ये जो 4000 माइनस लिखा हुआ है, तो इसमें से आप ये वाला 4000 माइनस कर दो, क्या आंसर आएगा, 0, राइट। और ये इतने सारे 0 नहीं लिखने हैं आपने, सिंपली आपने लिख देना है 8 का आंसर इक्वल टू 0। ठीक है, 8th क्वेश्चन का आंसर इक्वल टू 0 लिख देना। ओके, वी आर डन। ये जो बाकी बचे हैं, यू प्लीज प्रैक्टिस दैम, ठीक है, क्योंकि वो मिलते जुलते हैं, एंड यू कैन चेक योर आंसर्स फ्रॉम द आंसर की।